हेलो गाइस, आपका स्वागत है छोटी प्रॉब्लम्स में। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बोट रॉकर्स का 255 नेक बैंड, जिसको रीसेट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। और बोट के मोस्टली नेक बैंड ऐसे ही रीसेट होते हैं, तो आपके पास कोई भी बोट का नेक बैंड है तो आप सिंपली जो है जैसा बताने वाला हूँ आप वैसा करोगे तो आपका नेक बैंड रीसेट हो जाएगा। और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी इश्यू या फिर थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आती हैं, वो सब सॉल्व हो जाती है नॉर्मली रीसेट करने से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको रीसेट कैसे किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको रीसेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन दिया हुआ है। इसको आपको 7 सेकंड तक जो है प्रेस करना है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको कनेक्ट कर लेना है ताकि ये ऑफ हो जाए। एंड आफ्टर ब्लू लाइट फ्लैश होंगी 4 times, इसका मतलब है कि आपका नेक बैंड रीसेट हो गया है। फिर आप अपने फोन से दोबारा इसको पेयर कर सकते हो। सो गाइस, ये रीसेट की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी इससे रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। और इसको लेके मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू भी किया हुआ है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। और इसको यूज करते मुझे 1 साल हो गए हैं, तो उसी का मैंने अपना रिव्यू दिया है। तो जाके वीडियो जरूर देखना, आपको बोट की काफी सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।